हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का ब्लॉग हम 12 बजे स्टार्ट कर रहे हैं, और 12 बजे इसलिए क्योंकि बच्चे लोग को लाने में प्लस कुछ बाजार भी करना था, जो कि हम जो आप लोग को दिखाए थे कि मेरे ऊपर में हम छोटा छोटा पॉट्स में प्लांट लगाए हैं फ्लावर का। तो आज हम कुछ और प्लांट लाने के लिए गए थे, सोचे कि आप लोग को हम दिखाएंगे वहाँ पे, लेकिन देखिए तो हम सोचे आप लोग को दिखाएंगे, लेकिन सच मानिए मार्केट में इतना भीड़ था कि हम सूट नहीं कर पाए, क्योंकि और हम साइकिल लेके जाते हैं, तो साइकिल में जब हम मतलब फ्लावर्स का पॉट लेके जब रखे ना, तो हैंडल खाली इधर उधर हो जा रहा था, डर लग रहा था कहीं साइकिल गिर ना जाए, गिरेगा तो पॉट समेत फ्लावर मेरा रास्ता में गिर जाएगा, तो इसी वजह से हम और सूट नहीं कर पाए। तो नेक्स्ट टाइम अगर हम किसी को साथ में लेके जाएंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे कि हम कहाँ से फ्लावर का या पेड़ का ये पॉट लाते हैं। और देखिए ना, यही सब करने में मेरा कितना टाइम हो गया, और प्लस इनके पापा आज जो फीस मतलब बाजार करके लाए हैं वो भी मतलब इसको भी छुड़ाने में बहुत टाइम लगेगा। शायद इसी को छुड़ाने में आज मेरा आधा एक घंटा चला जाएगा। पता नहीं आज हम खाना कब बनाएंगे, लंच कब बनाएंगे, आप लोगों को दिखाते हैं कि कौन सा फिश लेके आए हैं। ये देखिए, ये है पुटी माछ, आप लोग पहचानते ही होंगे क्योंकि बंगाल में रह के तो सबको ही जानता है, क्यों बिहारी लोग भी जानता है। और ये है टेंगरा मछली, छोटा वाला। तो टेंगरा मछली तो वो काट के लेके आए हैं, पर ये वाला हमको छोड़ाना होगा, और ये वाला तो आप लोग जानते ही है, इसको छोड़ाने में बहुत टाइम। और ये देखिए जो हम फ्लावर लेके आए हैं, एक ये है गुलाब का, ये है गुलाब का, और वो है जवा का पेड़, ये बड़ा वाला हम लेके आए हैं, और ये एक छोटू सा येलो कलर का। पता नहीं इस फ्लावर को ये फ्लावर को क्या कहता है, आप लोग अगर नाम जानते होंगे तो प्लीज़ हमको कमेंट करके बताइएगा। हमको अच्छा लगा तो हम लेके आए, और ये जब हम इसको रिपोर्ट करेंगे, जब हम पॉट में बैठाएंगे तो आप लोग को दिखाएंगे। फिर पता नहीं आज कब तक मेरा सारा काम खत्म होगा। आप लोग से भी मेरे साथ मेरे इस ब्लॉग में वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। आज हम अभी तक नाश्ता भी नहीं किए हैं, ये देखिए हम जा रहे हैं अभी पहले नाश्ता कर ले, क्योंकि अगर खाना बनाने लग जाएंगे तो हम नाश्ता नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए पहले हम नाश्ता बना लेते हैं, फिर खाना लंच का प्रिपेयर करेंगे, मतलब जो हम काटना है हम काटेंगे, खाना बनाएंगे, पहले नाश्ता कर लेते हैं। तो देखिए आज हम नाश्ता में क्या बनाए थे। ये रहा मेरा नाश्ता, जो कि हम सुबह में चने का दाल और पराठा बनाए थे, तो सबको खा लिया है, सिर्फ मैं बाकी हूँ, तो हम भी खा लेते हैं, मैं भी खा लेती हूँ, उसके बाद फिर आप लोग से बात करेंगे। देखिए इन लोग का मस्ती कैसे चल रहा है, ऐसे ही दोनों हमेशा मस्ती करते रहता है। ये देखिए मेरे घर में तो पोखर नहीं है, जिसके घर में पोखर है वो तो अपना आराम से पोखर के पास बैठ के और ये छोटा छोटा मछली को साफ कर लेता है। तो हम ये मेरा आइडिया है कि कैसे इसको क्लीन करेंगे, क्योंकि इसको अगर क्लीन नहीं करेंगे तो खाने में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम एक झूड़ी ले लेते हैं और झूड़ी में जितना आँस होता है छोड़ा देते हैं पहले मछली का, उसके बाद इसमें का जो पेट के अंदर जो ये रहता है पीता, उसको फिर बाद में रिमूव करते हैं। आप लोग कैसे करते हैं आप लोग बताइएगा। जिसके घर में पोखर है वो तो आराम से धो लेता है, मछली क्लीन कर लेता है, लेकिन जिसके घर में नहीं है उसके लिए बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है साफ करना। क्या हुआ ये देखिए, पक्का एक घंटा लगा इसको पूरा क्लीन करने में, और ये तो जस्ट खाली थोड़ा हल्का सा लगड़ के धो दिए तो क्लीन हो गया, पर ये अब जाके हुआ, और अब हम जा रहे हैं इसको बनाने के लिए। ये देखिए पहले हम टेंगरा मछली को ही बना ले रहे हैं, ये फ्राई होने दिए हैं, और ये इधर इतना फ्राई होके निकाले हैं, और ये रहा पुटी मछली तो जो कि बनाएंगे हम उधर दिखा रहे हैं। तो मेरा छोटा बेटा बोल रहा है कि हम लोग को भी दिखाओ, तो चलिए उन लोग को भी थोड़ा दिखा देते हैं क्या कर रहा है। तो दिख रहा है ये देखिए, ये है छोटा और ये है बड़ा। उन लोग को फ्रूट्स दिए हैं, लेमन मौसम भी दिए हैं, उन लोग खा रहा है,
दिखा दिए तो वो हम जाए, हम अपना काम करते हैं। देखने बजा भी 1:15 हो गया है, तो देखते हैं कब तक मेरा लंच रेडी कर पाते हैं। ये देखिए अब कुटी मछली भाज रहे हैं और ये भाज के निकाले हैं एक बार, तो ऐसे ही लाल करके पूरा ये है ये पूरा भाज लेंगे। ये रहा कच्चा टमाटर, देखिए पुटी माछ का झाल, और ये रहा टेंगरा मछली का झाल। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को इनमें से कौन सा अच्छा लगा। मेरा लंच खाना रेडी हो गया, अब हम जा रहे हैं दोनों को खाना दे रहे हैं क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। मेरा तो आदत है लेट से खाने का, मेरा रेगुलर का ही 3 बज जाता है खाते खाते, तो इन लोग को दे देते हैं, इन लोग खा लेगा जो कि अभी टीवी चला के देख रहा है। ये देखिए टीवी देख रहा है, और अब हम दोनों को खाना दे देंगे, दोनों खा लेगा। तो मेरा खाना बन गया है और हम सोचे आप मेरे हम जो बताने जा रहे हैं, आप लोगों में से कितने जन के साथ ऐसा होता है जो हम फील करते हैं, क्या वो सही फील करते हैं या गलत। आप लोग प्लीज़ में हम जो बोलेंगे अगर वो चीज़ में आप लोग को कहीं भी कुछ भी लगे तो हमको प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि हाँ तुम ये गलत सोच रही हो, ऐसा नहीं होता है, चाहे कुछ भी। तो सबसे पहले हम ये बोलना चाहते हैं कि हम अगर कोई लड़की शादी करके जाती है तो किसके भरोसे पे ससुराल जाती है। और हाँ एक तो लव मैरिज जो होता है वो अलग बात होता है कि प्यार करके शादी करना बिना सोचे समझे शादी किया जाता है, लेकिन जब अरेंज मैरिज जिस जगह पे होता है उस जगह पे तो आप हमको देख के लाए, हम तो खुद आपके साथ नहीं आए और ना ही हम आपके साथ आने के लिए ज़बरदस्ती किए कि हाँ हम आपके साथ शादी करके जाएंगे। जब आप हमको शादी करके या इस घर में लेके आए हैं तो ये चीज़ बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे मुंह से अगर कुछ निकलने से आपका गलत होता है चाहे खराब होता है तो आप हमको प्लीज़ मत बोला कीजिए, हमसे आप कोई भी बात शेयर मत किया कीजिए। और पहले था भी, तब तक हम लोग के बीच बहुत अच्छा था। हाँ झगड़ा उस समय भी होता था लेकिन इतना उल्टा पुल्टा नहीं सुनाया जाता था। जब से मेरी साथ तब से इस घर में हम एक पनौती बन के रह गए हैं। सब समय सिर्फ हमको इस बात का ख्याल कराया जाता है कि तुम इस घर के लिए कोई मायने नहीं रखती है। कुछ भी बोलते हैं तुम बोलती हो बोल के मेरा ये काम पूरा नहीं होता है, तुम बोली बोल के मेरा ये काम अधूरा रह गया। क्या हम इतना पनौती है? जानते हैं हम शादी के पहले भी हमको मायके में जिस तरह से एक लड़की को प्यार दिया जाता है उस तरह से हमको शादी के पहले भी नहीं मिला। तो सोचे कि शादी के बाद शायद हमको वो पूरा हर एक चीज़ से हर एक तरफ से हमको प्यार मिलेगा, पर शायद हम बहुत बदनसीब इंसान हैं चाहे बदनसीब लड़की है कि हमको वो प्यार नहीं नसीब में हुआ। जानते हैं एक माँ बाप जिस तरह से एक लड़की से प्यार करता है वो प्यार हमको माँ बाप से भी नहीं मिला। जब शादी के पहले एक ही चीज़ सुनने को मिलता था कि लड़की पराई घर की होती है, आज है कल चली जाएगी। क्यों जब आप बेटा को अपने
आप जहाँ बेटा को पाल पोस के बड़ा किए, हमको भी वहीं से ही पाल पोस के बड़ा किए। हम तो बाहर से नहीं आए थे। तो छोड़ो, हम सोचे कि छोड़ो, शायद मेरे घर में ऐसा कोई रिवाज है। लेकिन आज उसी जगह पे मेरे अंकल आंटी को जब देखते हैं, तब को बहुत अच्छा फील होता है कि चलो, मेरे जैसा मेरी बहन लोग को नहीं मिला। और एक उसी जगह पे फिर भाई का जब रोल आता है, भाई बहन का जो एक प्यार होता है, मेरे लिए मेरे भाई के भी मन में कोई प्यार नहीं है। सिर्फ एक कहता है ना, भाई बहन का एक रिश्ता, एक तो रिश्ता जो होता है, बस वही है जो निभाया जाता है, जिसको कहता है, बस वही उन लोग निभा रहा है, और कुछ नहीं है ना। हमको कोई फोन करके पूछता है कि कैसी है बहन, क्यों नहीं आती है, क्या है, नहीं है, कुछ नहीं। चलो ठीक है, हम वो भी मान लिए कि हो सकता है, इसीलिए जानते हैं कि जब हम अपना भाभी लोग को देखते हैं, उनके भाई लोग को, उनसे लगाव जब देखते हैं, तो हाँ, मेरे मन में हिंसा होता है। जब मेरे पति को देखते हैं अपनी बहन के साथ इतना लगाव, तो हाँ, होता है हमको हिंसा। और आप ही लोग बताइए, क्यों नहीं होगा हमको? क्या हम इतना जायद, क्या मेरा किस्मत में इतना भी नहीं लिखा हुआ है? मेरे जगह पे रह के कोई नहीं सोचता है, कोई नहीं। सब कुछ सहन करने के बाद भी, जब ससुराल में जिसका हाथ पकड़ के हम यहाँ आए, उनसे अगर हमको ये सुनना पड़े कि, और उस घर में अगर ये सुनना पड़े कि तुम बोली ये चीज नहीं करने, नहीं, तुम इसके बारे में बोली बोल के आज मेरा ये काम पूरा नहीं हुआ, तुम ये बोली बोल के मेरा वो काम आज मेरे साथ ये चीज तो नहीं है, तुम बोली बोल के मेरा आज ये, मतलब कुछ भी, जितना कुछ सब मेरे वजह से हो रहा है इस घर में। मतलब हम इतना बड़ा पनौती है, तो क्यों भगवान, बोलिए क्यों, क्यों हमको इस दुनिया में, क्या हमको जीने का इच्छा करेगा? कभी कभी लगता है कि सब छोड़ के कहीं चले जाए, दूर, सबसे दूर, सिर्फ यहाँ से नहीं, ससुराल से नहीं, सबसे दूर चले जाए, ताकि सबको मुक्ति मिल जाए हमसे। फिर सोचते हैं कि जाएंगे तो कहाँ, और मेरा जो हम दो बच्चे को जो हम जन्म दिए हैं, उसको कौन देखेगा? मेरे चले जाने के बाद कुछ दिन तक शायद हमको कोई सबको याद रखेगा, फिर सब भूल जाएगा, सब अपना अपना काम में व्यस्त हो जाएगा, कोई याद भी नहीं रखेगा कि मेरी कोई बेटी है, कोई बीवी थी, कोई याद नहीं रखेगा। तो बस हम इस घर में सिर्फ अपना बच्चा के लिए जीते हैं, जी रहे हैं और जिएंगे भी पे आगे भी। बस भगवान से एक शुक्रिया अदा करते हैं कि हमको मेरा बेटा अभी हमको बहुत अच्छा मिला है। आगे चल के वो कैसा होगा हमको नहीं सोचना है, कैसा होगा, क्या करेगा, हमको कुछ नहीं सोचना है, हमको अभी तो प्यार करता है, अभी तो मानता है ना, बस, और हमको कुछ नहीं चाहिए। तो उसी मेरा यही दो बच्चे के लिए हमको इस घर में, मतलब यहाँ रहना है, और हमको किसी से कोई मतलब नहीं है, कौन क्या सोचता है नहीं सोचता है मेरे बारे में। लेकिन हाँ, अब हम ये सोच लिए कि जो इंसान मेरे बारे में इतना गलत सोचता है, इतना गलत सोच के रखा है, उस इंसान से हम अब बात ही नहीं करना है हमको, सब अपना काम से काम मतलब रखना है। आओ, खाना खाना बना के रखेंगे, खाना दे देंगे, खाओ अपना, तुम अपने काम से काम रखो, हम अपने काम से काम रखेंगे। ना तो तुमको हमको कोई बात बताना है, और ना ही हम उनसे कोई बात शेयर करेंगे, बस सब अपना अपना काम में व्यस्त, तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, और जहाँ मतलब नहीं रहेगा तो कोई बात ही और नहीं निकलेगा। अगर हम सोच लिए कि अगर वो हमसे कोई बात शेयर भी करेंगे ना, तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, बस वहां से उठ के हम चले जाएंगे, क्योंकि हमको नहीं सुनना है।
अगर हम सुनेंगे तो दो बात कुछ बोल देंगे, फिर बोलेंगे कि तुम बोली थी इसीलिए नहीं हुआ, तो हमको जरूरत ही नहीं है, ना हम सुनेंगे ना हम बोलेंगे, बस। तो यही कुछ बात था जो आप लोग से शेयर किए, हो सकता है बहुत जन को खराब लगे, और अगर मेरे बात से अगर कोई किसी को खराब लगा हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि अगर हम कहीं पे गलत बोले हैं, चाहे गलत बोल रहे हैं चाहे गलत समझे हैं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो बस यही बोलना था, आप लोग से शेयर करना था।